नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में इन दिनों संगठन विस्तार पर है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए। एसपीएस रावत को आम आदमी पार्टी में स्वागत करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मैं कांग्रेस में काफी यूथ कांग्रेस से लेकर और अभी तक कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जो दिशा है वो भटक चुकी है। चाहे उत्तराखंड में आप देख लीजिए कि कांग्रेस सिर्फ चक्राता से लेकर देहरादून तक रह गई है। और बहुत दुख हुआ मुझे जब राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे व्यक्ति की फोटो कार्यालय के प्रांगण में न लगाना, तो मैंने चिंतन मनन किया कि कांग्रेस जो है दिशा को भटक चुकी है। और जब ऐसे व्यक्तित्व की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो शायद एक गरीब कार्यकर्ता आम आदमी की तरह, जो मैं मुझ जैसे कई सैकड़ों कार्यकर्ता है, सैकड़ों लोग जो काम करते थे, मैंने चिंतन मंथन किया। उसके बाद मैं अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजली पानी का काम हो, तो दिल्ली सरकार, बेहतर काम दिल्ली सरकार ने किया। और इस महामारी में भी अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें दिल्ली के पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। तो एक बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद है कि जो 20 सालों में उत्तराखंड प्रदेश को जिस लक्ष्य के लिए हम लोगों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, कर्मचारियों ने बनाया था, वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। कुछ अगर तिवारी जी के कार्यकाल की बातें छोड़ दे, तो मुझे लगा कि सब लोगों ने आज दिन तक शायद तनख्वाह पेंशन लेने तक ही काम किया, जो तराई क्षेत्र से लेकर पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी में मुझे कुछ ऐसा दिखा कि वो आम आदमी के लिए काम करना चाहते हैं, धरातल पर काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय मनीष सिसोदिया जी को, माननीय हमारे प्रभारी जो 3 बार के विधायक है संगम बिहार से, दिनेश मोनिया जी को, आदरणीय अध्यक्ष जी को और सारी टीम को, काला साहब हैं, कपड़वान जी है, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी की बात नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप पे भी गढ़वाल कुमाऊँ विकास समिति मेरी जो है नेशनल लेवल पे, मैं उसका संरक्षक हूँ। और मैं हर साल जो है पूर्व सैनिकों के सम्मान में 14 अगस्त को एक कार्यक्रम करवाता हूँ, महिला उत्थान दिवस पे कार्यक्रम करवाता हूँ और युवाओं के लिए काम करता हूँ और सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। पार्टी में ऐसा नहीं है, लेकिन भटकाव आ चुका है। अब राष्ट्रीय लेवल पे मुझे अच्छी नहीं लगता कि मैं बातें करूं, या आप सब लोग जानकार हैं क्या हो रहा है। तो राष्ट्रीय लेवल में भी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं लूँगा, ना मेरा परिवार का कोई सदस्य नहीं लेगा, और उसी दौरान मैंने भी प्रदेश सचिव पद से रिजाइन किया था, और उसके बाद फिर हालात आप देख रहे हैं। इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है, क्योंकि ये बातें आने वाले समय में बताएगी, लेकिन कांग्रेस रास्ता भटकी हुई है, मुझे लग रहा है। मुझे भटके हुए रास्ते पे नहीं चलना है, मुझे समाज के लिए काम करने हैं और अपने प्रदेश। ये पार्टी ने वहाँ पे सम्मान दिया, मैं कई पदों पे रहा हूँ यूथ कांग्रेस से लेकर, और मैं करीब करीब जो है 75% मैं पार्टी के लिए मैंने काम किया। कुछ जगह ऐसी भी रही है कि जहाँ मैंने प्रूफ किया, सल्ट जैसे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार प्रभारी था, और प्रभारी होने के नाते एक साधारण महिला अगर 2200 वोटों से हारती है तो पार्टी को देखना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कांग्रेस में मेरे लायक शायद काम न हो, या कांग्रेस चक्राता से देहरादून तक रह गई है, तो मुझे काम करना है लोगों के लिए, और काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म जो है आम आदमी पार्टी का। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, पढ़ा, सोचा, समझा, सोशल मीडिया पे मैंने जब जानकारी ली, मुझे बेहतर प्लेटफॉर्म लगा, और उत्तराखंड के लिए हम काम करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस मुश्किल घड़ी में आ चुकी है, और आम आदमी पार्टी जो है अपना कारोबार बढ़ाएगी, और 2022 में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मेरी ये चौथी और पांचवी मुलाकात माननीय अध्यक्ष जी के साथ हाईकमान से भी हुई है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं कि एकदम हम सम्मान के लिए भटक जाए, हम जो है शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, हम संस्कारों से जुड़े हुए लोग हैं, छोटी चीज़ों पर एकदम से हम न ललायत होते न लालच करते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार उत्तराखंड में आज चल रहा है, जो खनन के कारोबार में चल रहा है, जो आज शराब की दुकानें
खुलती है लेकिन दवाइयों की दुकानें नहीं खुलती। इन तमाम विषयों पे हम आंदोलन करेंगे। बड़ा काम करने के लिए हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और शायद अब इस उम्र में, इस उम्र के बाद पार्टी चेंज नहीं होती है। हमें भी लग रहा है कि हमें 50 और 60-70 के बीच में कुछ करना चाहिए। ये हमारा समाज के लिए काम करने के लिए अब मैंने सोचा, इसलिए मैं इस पार्टी में। अभी तो मैं जुड़ा हूँ और विधायक की बात जो है तो पार्टी संगठन तय करेगा। अभी संगठन में काम करवाते हैं, मुझे चुनाव लड़वाते हैं, नहीं लड़वाते हैं, कहाँ से लड़वाते हैं, क्योंकि जब एक पार्टी होती है तो उसमें व्यक्ति नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अभी तो चुनाव है भी नहीं। अभी तो कोशिश ये रहेगी मेरी अपनी ओर से, आदरणीय अध्यक्ष जी और सब साथियों को लेकर के, कि हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड में आए। अगर हमने 6 महीने 8 महीने में ये कारवा करके दिखा दिया तो तब हम सरकार बनाने की सोच सकते हैं, लेकिन मुख्य विपक्ष की भूमिका में हम 6 महीने 8 महीने में हम लोग उत्तराखंड में आ जाएंगे। हाँ हाँ, पार्टी के साथ हमेशा है। अब तो ये लास्ट पार्टी होगी क्योंकि उम्र के हिसाब से बार बार बदलाव अच्छा नहीं है जीवन में भी, और सोच समझ के मैंने निर्णय लिया। 4-5 बार मीटिंग करने के बाद मैंने निर्णय लिया है। और ईमानदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन आवाज़ को बुलंद करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने आंदोलन किया, इस राज्य के लिए काम किया है और आज कहीं ना कहीं पीड़ा है, इसलिए जाकर के इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जितना सामर्थ्य हो सकता है उस काम को करेंगे।